हेलो गाइस, व्हाट इज अप। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीके म्यूजिक। और आज हम बनाने वाले हैं एक और बढ़िया सी बीट। मैंने अभी इसमें कुछ प्रिपेयर नहीं कर रखा, जैसा कि आप देख रहे हैं पूरा का पूरा हमारा खाली है। ठीक है, तो हम यहीं से कुछ उठाएंगे बढ़िया बढ़िया सी चीज और इसमें बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, यो क्या ले क्या ले। अच्छा, अपने फेवरेट से शुरुआत। टा टा टा, कुछ बढ़िया सुना दे गाइस। बीट जो है वो थोड़ी देर बाद पता लगेगा वो किस तरीके की बन रही है, क्योंकि अभी कोई आइडिया नहीं कि किस तरीके की बनने वाली है। ठीक है, ओके। कुछ ऐसा चल रहा है मेरे दिमाग में, क्योंकि ये ना मैंने एक्चुअली में ये पहले भी मैंने एक बार प्रिपेयर किया हुआ है, मगर इसको अब थोड़ा सा इस बार मैं अलग से कुछ करने की कोशिश करूँगा। ओके ठीक है। थोड़ी सी हॉरर टाइप में जा रही है, कंटिन्यू रखते हैं। और एक और साउंड थी, ये मैंने पहले यूज कर रखी है, और ये इस वाली साउंड के साथ काफी अच्छा साउंड करेगी। तो इसको सीधा यहाँ करते हैं और यहाँ करते हैं पेस्ट। ठीक है, ठीक है, अच्छा जा रहा है। जब तक ये चलेंगे नहीं तब तक मेरी बीट आगे चलेगी नहीं, क्योंकि ये कब से बहुत ज़्यादा फील देते हैं, सबसे ज़्यादा फील यही देते हैं हमारे को। ओके, तो फिलहाल इसको हम ऐसे लगा लेते हैं। अब इनकी थोड़ी सेटिंग हो जाए। क्यों सेटिंग समझते हो ना, वो वाली नहीं, इनकी। मजा नहीं आया स्टार्टिंग से, एक थोड़ा सा ट्र करके निकलेगी। अरे यार, इसमें नहीं आना। अभी मैं ये काफ़ी बहुत ज़्यादा रैंडम लगा रहा हूँ, इसको अभी हम थोड़ा सा ठीक करेंगे। वो कैसे ठीक करेंगे, बड़ा ही इजी वे है यार ठीक करने का। इसको ना हम थोड़ा सा एक वो वाला ऐसे एक ग्रूवी टाइप फील दे देंगे। एक क्या करते हैं, एक इसको ये 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 ये, ये कुछ कुछ नोट्स की ना हम सिलेक्शन कर लेंगे। सेलेक्ट हो जाओ भैया, सेलेक्ट हो जाओ, सेलेक्ट हो जाओ प्लीज। हाँ, वेरी गुड। ठीक है, तो इनको कर देते हैं डाउन। ओके, और इनकी ना हम थोड़ी सी पिच छेड़ेंगे, और पिच छेड़ने में तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा है। करेंगे ही हमारे को तभी समझ आएगा क्या है, क्योंकि जब हम कर रहे हैं हमारे को कुछ पता नहीं हम क्या कर रहे हैं, बस हमारे को अपना हिसाब चला के देखना है। यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा वेरिएशन डाल दी, एक बार सुन के देखते हैं कैसा लगता है।
ओके एक 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 वेवी टाइप फील आ रही है हमारे को, एक वेव टाइप फील आ रही है, कोई बात नहीं। अब इसके साथ ना हमारे को एक चाहिए लीड, ओके। और लीड बनाने के लिए बेल्स का यूज करा जाए अगर हॉरर चल रही है तो। ओके वेरी गुड। भाई साहब कोई बात नहीं, घबराने वाली कोई बात नहीं है गाइस। भाई ये क्या है, इसको घबराने वाली बात अब लग रहा है मुझे कि हो गई है, मेरे माउस में कोई दिक्कत हो गई है गारंटी के साथ, हमारे में अपने आप लग रहा है भूत आ गया है। इसका थोड़ा सा ना मैं बीपीएम तेज करूंगा। एक सेकेंड गाइस, एक सेकेंड, बस ऑलमोस्ट हो गया है। ओह माय गॉड, कुछ ज्यादा ही ऑलमोस्ट हो गया। यार ये बात में कैसे शुरू। ओके ये दिक्कत चल रही है, ठीक है गलत लगा हुआ ये, आई एम रियली वेरी सॉरी। अभी इसको ठीक कर लेते हैं गाइस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके आ रही है, आ रही है, फील आ रही है। ठीक है अब थोड़ा सा 808s जो हमारे को थोड़ा सा दम देती हैं सबको हाई कर देने वाली। मेरी फेवरेट है वैसे, मुझे जब कुछ नहीं समझ आता ना तो मैं इसी को लगाता हूँ, मगर अभी नहीं, इसको बाद में लगाऊंगा। पहले मैं एक चीज़ भूल गया और वो ये है कि इसमें स्नेयर्स लगाने हैं जो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं। बहुत बेसिक स्नेयर लेके चल रहे हैं, ठीक है। आ रही है, अब चलते हैं उसके ऊपर। अब कुछ ये थोड़ा सा ना अपना जलवा दिखाएगी और हमें मजा आएगा, ठीक है। पियानो रोल में आ जाते हैं यार, थोड़ा सा सही रहेगा वो। फिर मेरा माउस, आई नो ये मेरे माउस की दिक्कत है। होए 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 होए, कुछ
कुछ ज़्यादा ही बड़ी गलतियाँ हो रही हैं आज तो रिकॉर्डिंग में। गाइज हम एक चीज़ भूल गए, सबसे इम्पोर्टेंट, इनको ट्यून करना भूल गए हम। फटाफट से देख लेते हैं कि किस में है ये। डुम 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 डुम। ओके C2 में विराजमान है ये, इनको थोड़ा सा ऊपर विराजमान कराना है हमें। C5 पे हो जाओ, ठीक है। ये C4 यहाँ ले आए हम, इसको प्लेस ऊपर करूँगा मैं अभी फ़िलहाल ना, सिर्फ यहाँ देखें, ठीक है, काफ़ी सही साउंड दे रहा है, फील दे रहा है। थोड़ी सी पक्वेशंस चलेंगी, ये ऐसा लग रहा है कि कुछ अच्छा कमाल कर सकता है। ओके, काफी सही साउंड दे रहा है यार, स्नेयर्स के साथ काफी ज्यादा सही दे रहा है। तुम दुम ठीक है, एक चीज और, हमारी सबसे मेन चीज किक, जिसके बिना गुजारा ही नहीं है। क्या नहीं है? गुजारा ही नहीं है। जब तक ये नहीं आएगी तब तक काम नहीं होगा। एक काम उससे पहले और करना पड़ेगा हमारे को, इसको थोड़ा सा ना ठीक करना पड़ेगा। अच्छा, ये दोनों ऑलरेडी चैनल्स पे हैं, नहीं है, दोबारा डाल लेते हैं, ठीक है। किसी के दिमाग में अगर ये सुन के अगर कोई लाइनें आ रही है ना, तो यार नीचे लिख दो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मैं जानता हूँ ये ट्यूटोरियल थोड़ा लंबा होगा, क्योंकि पता यार अब देखो बीट बनेगी तो ट्यूटोरियल लंबा होगा ही होगा, समझो, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा इधर लेके जा रहा हूँ इसके पास, और इसको हम करेंगे इसके साथ राउट, और हम इस पर लगाएंगे एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी लिमिटर। इसको साइड चेंज करेंगे, जो कि सबसे आसान तरीका है साइड चेंज करने का, चेंज करने का वो यही है, जग में यही है। फिलहाल आंखें बंद करके इसके साथ लगाते चलो, कदम बढ़ाते चलो, ठीक है, समझ रहे हो ना आप कदम कैसे बढ़ाने। कुछ गलती हो गई है, एक मिनट रुका जाए, बिल्कुल रुका जाए, हम कोई ना गलती करते हुए इसको कॉपी कर लेते हैं भाई, ठीक है, क्योंकि हम छोटे छोटे से बच्चे हैं, गलती हो जाती है हमसे, इसलिए ऐसे प्लेस कर लेते हैं इससे गलती ना हो। अब करवाओ गलती, अब करवाओ, नहीं नहीं आहा ओहो, क्या बात है, ठीक है। कहाँ तक लगाई यार, जब इतना लंबा बन जाता है तो दिक्कत हो जाती है यार, कोई नहीं, मगर यही इजीएस्ट वे है गाइस। अभी अभी हम सिंपल सिंपल चला रहे हैं,
काफी ज्यादा सेम होते हुए अगर इसको चेंज कर देंगे सुन के देखते सही लगता है कि नहीं। ओहो गलत हो गया। आगे आ रहे फटाफट। आहा आ गया। ठीक है गाइस हमारी गई है ये बीट बन। अब इसको बस हमें करना है प्लेस। तो स्प्लिट बाय चैनल करेंगे हमारे। देखो ऐसे कैसे खिरकते हुए ऐसे सब आ गए साथ में। ठीक है अब इन्हें उठाओ यहाँ पर और लगा दो नीचे। ए धूम रुको भैया सबर करो। ठीक है अब इसको थोड़ा सा वे दे देते हैं चलने का। इनको ले जाते हैं आगे। इनको भी ले जाते हैं आगे और इनको ले जाते हैं इधर और इनको लगा देते हैं इनके ऊपर क्योंकि एक बारी जरा थोड़ा सा इनको भी सबर मिलना चाहिए चलने का। नहीं काफी ज्यादा लंबा चल गया है इसलिए इसको यहां से हम 4 बार्स के बाद इसको दे देते हैं एक। मैं कह रहा हूं यार स्नेयर्स भी दो कहानी मुकाओ। ठीक है अब डालो पूरा का पूरा। ओके डल गया ये डल गया। नहीं यार वो नहीं डला था। स्नेयर्स आ गए हमारे 808s आ गए हमारा ये आ गया हमारी किक आ गई। ये हमारी एक बन गई है छोटी सी बीट गाइस। बस अब इसको ऐसे प्लेस कर सकते हैं हम और जैसे हमारा मन करे हम इसके अंदर और भी काफी ज्यादा चेंजेस कर सकते हैं। जैसे इसके अंदर हम मैं एक चीज दिखाता हूँ ये चल रहा है ना हमारा। ओके ये मैंने लगाया था। इसको ऑटोमेटेशन क्लिप ले लेते हैं इसकी। ठीक है ठीक है ठीक है। ओके 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 टकटा 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 टकटा। यहाँ से हमने कर दिया नीचे। अब इसकी आवाज़ कुछ अलग सुनाई देगी सुन के देखो। ओह माय गॉड मिक्सर से वॉइस ही नहीं ऑन करी। अगर ये 808 पहले आएंगे तो मजा नहीं आ जाएगा हैं? मजा नहीं आ जाएगा 808 अगर पहले आ जाए तो। सुनते हैं हमने एक बेवकूफी करी आपको पता लगी गई होगी। नहीं पता लगी तो अच्छी बात है। पता लग गई तो और भी अच्छी बात है। इसका मतलब आपको म्यूजिक बनाना आ रहा है। ओके
गाइज, अगर आपके दिमाग में ऐसे कोई इसको सुन के लाइन आ रही है ना, तो प्लीज नीचे से कमेंट कर देना। अगर कोई रैप की लाइन चल गई हो दिमाग के अंदर, इसके साथ कुछ हो गया हो, तो बस लिख देना नीचे, वो लाइन लिख देना, उसको बढ़िया बना देंगे हम। उसी लाइन के ऊपर रिकॉर्ड करके इसके अंदर म्यूजिक के अंदर कुछ बढ़िया डाल देंगे। ठीक है, तो हमारा ये था आज का छोटा सा ट्यूटोरियल कि कैसे बीट बनाई जाती है बढ़िया तरीके से, सेंसिबल तरीके से, छोटी सी अच्छी सी क्यूट सी। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और अगर कुछ अच्छा लगा हो तो यार वो प्लीज़ लाइक कर देना, ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर देना, और तो कुछ होता नहीं है, और अच्छी लग गई तो कमेंट भी कर देना। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।